गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर्स में, अभी देखते हैं अंदर जाके क्या क्या सीन रहता है ये। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो भाई साहब, मैं और राजेश अभी दोनों के दोनों जा रहे हैं टाटा मोटर्स कंपनी, ठीक है। ये प्लांट ना पिंपरी छिंजवाड़ में, तो अभी वहीं जा रहे हैं पता करने के लिए कि आप जॉब का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए भाई, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो भाई आज जो है ना हमारा नाइट ड्यूटी है, तो भाई सोचे चलो मॉर्निंग में चलो घूम के आते उधर छिंजवाड़ तरफ से टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में, देखते हैं यार क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना सैलरी देता है, ठीक है, ऐसा कुछ करके। तो चलो सीधा का सीधा अभी फटाफट चलना है और हम लोगों को 9 बजे से पहले पहुंचना है, 8:30 बज चुका है, ठीक है। और हम लोग वहां से निकले हैं 7 बजे, ठीक है, 7 बजे, और 1.5 घंटा आते आते लग ही गया है। और यहां से 500 मीटर दूर है, तो अभी हम लोग पैदल ही चल रहे हैं, ठीक है, पैदल ही चल रहे हैं, और बस से उतर पैदल ही चल रहे हैं। तो चलते हैं सीधा का सीधा, आप लोगों को बताते हैं वहीं पर जाने का बाद। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर्स में, अभी देखते हैं अंदर जाके क्या क्या सीन रहता है। ये मेन गेट है, फिलहाल देखना पड़ेगा अभी क्या क्या होने वाला है। और राजेश भाई देखो गाइस, नंबर फोन ऑन कर रहे हैं पूरा का पूरा गर्दा उड़ा के। तो फाइनली यार टाटा मोटर्स कंपनी टूर के अभी मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। और भाई दरअसल हुआ क्या, वहां पे जो ना कंपनी में भाई 8:30 बजे से पहले आपको एंट्री करना है, तभी आपका भर्ती हो पाएगा। अगर 8:30 मतलब यार 8:30 के बाद अगर कोई भी जाता है, जैसे 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, तो शायद इसका एंट्री हो जाएगा, बाकी बात किसी का एंट्री नहीं होता है, ठीक है। वही उन्हीं बंदों को ज्वाइन में लिया जाता है जो 8:30 बजे से पहले पहुंच जाता है। तो यार हम लोगों का ना 9 बज गया था जाते जाते, लेकिन हाँ वहां जाने के बाद बहुत सारे कुछ बात पता चल रहा है, जैसे कि सैलरी हो गया, ठीक है, कितने घंटे करना है, किधर किधर बस आता है, ऐसा कुछ सारा जगह पे मतलब पता चल चुका है। तो भाई मगर उससे पहले, आप ये सब बताने से पहले, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके जो बताना। और हमारा ज्वाइनिंग तो हो चुका है दूसरे अदर कंपनी में, और ब्लॉग बनाने के लिए गया था वहाँ पे, वीडियो बनाने के लिए गया था, और एक और बंदा है ना वो गाँव का ही है, उसका ज्वाइनिंग करवाने के लिए गया था, ठीक है, साथ में गया था। तो सोचा क्यों ना चलो यार साथ में चलते हैं, नाइट में ड्यूटी है तो साथ में चलते हैं, आराम से ब्लॉग भी बन जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा, और घूम फिर के भी आ जाऊंगा। अब ये बात करते हैं सीधा का सीधा सैलरी के ऊपर, ठीक है, कितना सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है वहाँ पे। वहाँ पे देखो ट्वेल्थ वालों को रखता है नीम ट्रेनिंग पे, ठीक है, नीम ट्रेनिंग हो गया टेंथ वालों का, और 12,500 से ऊपर ही सैलरी मिलता है उनका भी, 12,500 और 13,000 के बीच में, ठीक है, 12,500-13,000 के बीच में। और ITI वालों का भी रखता है, और ITI वालों को सैलरी जो है ना भाई 13,800 कुछ करके आता, सब कुछ कट छट के 13,800, ठीक है, जितने भी सैलरी में बता रहा हूँ सब कटवट के आता है। और डिप्लोमा वालों का पता नहीं यार, डिप्लोमा वालों को पता नहीं, उसने मतलब उन्होंने बोला कि कल मॉर्निंग में आओ, सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा। फिर भी मेरे अंदाजा से डिप्लोमा वालों का ना 14,000 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है, 14,000-16,000 के बीच में रहेगा, अब उससे ज्यादा भी दे सकता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं एक एवरेज मान के बता रहा हूँ आप लोगों को। और तो गाइस जो बस का फैसिलिटी है ना, वहाँ पे रहना नहीं मिलेगा, बस का फैसिलिटी मिलेगा, खाना का एक टाइम का। और बस जो है ना चाकन में आता, मतलब मेन सिटी में लगभग मैं यार अप्रोक्स 15-16 किलोमीटर के अंदर में आ ही जाता है, ठीक है, बस। तो वहाँ पे 3 शिफ्ट चलता है, डे नाइट, और एक क्या बोलते हैं यार सुबह का शिफ्ट जो भी बोलते हैं, 2 बजे से या 11 बजे से ऐसा कुछ करके सीन रहता है, आप लोग समझ लो, 3-3 शिफ्ट चलता है वहाँ पे। और बस यही कुछ है यार, बहुत ही ज्यादा थक गया गाइस, इतने सारे गेट है ना कि पागल हो जाओगे भाई, ये गेट से उधर गेट से, ऐसे गेट से वैसे गेट से, एक गेट में गया तो एक मैम आई वहां पे भी अप्रेंटिस नेम ट्रेनिंग करके, और टेम्प्रोरी के लिए रख रहे थे, लेकिन वहां पे जाने के बाद भाई सब कुछ अपना मराठी लैंग्वेज में बताया ऐसा ऐसा करके। फिर बाद में पता चला, कम से कम 10-15 मिनट रुकने के बाद में पता चला कि यहाँ इस गेट पे ना सिर्फ और सिर्फ मनली फॉर महाराष्ट्र के लिए ही लोगों के लिए ही मतलब वहां से ज्वाइनिंग होता है। फिर हम लोगों को बोला दूसरे गेट में जाओ, फिर वहां पे गया कारखाना करके एक गेट है जिसको बोलते है कौन सा यार, मैं भूल रहा हूँ, आप मेरे से कमेंट करना, मैं उसका लोकेशन डाल दूंगा, ऐसा कुछ करके सीन था। तो वहां पे जाने के बाद, तो वहां जाते जाते तो 9 बज गए, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मॉर्निंग में आओ 8:30 बजे से पहले आना, ठीक है, 8:30 बजे से पहले मतलब 8:30 बजे तक आ जाना, ठीक है, उसके करीब में 8:30 बजे तक आ जाना। तो भाई साहब काम वाम बना नहीं उनका, तो मैंने बोला कि कल तुम चले जाना 8:30 बजे, आज चल जाना, आराम से हो जाएगा तुम्हारा,
ठीक है। तो बस ऐसा कुछ सीन हो रखा है टाटा मोटर्स का अभी के टाइम पे, और हाँ अभी भर्ती चल ही रहा है। अगर आप एक दो दिन घूमोगे ना तो आपका ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा। और भी कंपनी का वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा फिलहाल। और भाई कितने पता है कितने बजे निकले थे हम लोग, 7 बजे निकले थे, 7 बजे, और जाते जाते वही 1-1.5 घंटे 2 घंटे लग ही गए। तो आने के बाद से जो है ना खाना वाना बना रहा हूँ, अब खाऊंगा आराम से, रेस्ट करूंगा, उसके बाद ड्यूटी जाऊंगा। तो चलो गाइस आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और वीडियो शूट करना अलाउ नहीं रहता यार, गेट के बाहर सिक्योरिटी जो है ना बोलते हैं, इस वजह से मैं उधर का वीडियो भी नहीं बनाता, कौन यार झूठ मूठ का लेता। बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।